जिस मुश्किल दौर से देश आज गुजर रहा है सभी जानते हैं। आंतरिक सीमा के साथ बाह्य सीमा पर भी आए दिन शैतान पड़ोसी कारगुजारियां दिखाने से बाज नहीं आ रही। बात चाइना से चले आ रहे जैविक हमले रूपी कोरोना वायरस की करें या फिर दर रोज हो रहे तकनीकी हमलों की। धारा 370 रद्द किए जाने से अब तक पाकिस्तान से सटी संवेदनशील सीमा पर 300 से अधिक ड्रोन या उड़ती हुई अज्ञात वस्तुएं जिन्हें यूवी कहा जाता है देखी गई हैं। 2019 में 167, 2020 में 77 और अब तक 60 बार ड्रोन देखे गए हैं। बीते रविवार 27 जून को जम्मू वायुसेना स्टेशन को निशाना बनाकर विस्फोट कराए गए। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार शैतान पड़ोसी पाकिस्तान और चालाक चीन से मिल रही चुनौतियां देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी हैं, जिसे अब तक अनदेखा किया गया। नमस्कार, आदाब। साफ तौर पर जांच एजेंसियों का कहना है लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने ये हमले कराए हैं। देश जो दम पहले झेल रहा है, अर्थव्यवस्था चूर चूर है, क्या चाहते हैं सभी? भारत जो लगातार सभी का साथ देता आया, बात शरणार्थियों की हो या जान बचाने के लिए टीकों की सप्लाई की, अब तक तकरीबन 100 देशों को भारत ने टीके की खेप उपलब्ध कराई है। करोड़ों की संख्या में टीके अपने लिए तैयार तो किए ही हैं, साथ ही विदेशों में भी दोस्तों को भी दिए हैं। इसके बाद पड़ोसी मुल्क का साथ तो दूर, सीमावर्ती इलाके दुश्मन की जालसाजी से बदहाल हैं। हाल ही में सेना और पुलिस के अधिकारियों की मौतों ने भी देश की सुरक्षा घेरे में लगी सेंध की तरफ इशारा किया है। जहां पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ विदेशी संबंधों सहित भारत पर निर्भर है, बावजूद इसके कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, साफ तौर पर स्वीकार कर रहा है आतंकियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस मुश्किल समय में जब महामारी से सभी बेहाल हैं, कोविड ने सुप्रीम ताकतों को भी पछाड़ दिया है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ऐसे समय में भी वैक्सीनेशन कराया। दिनों दिन हुई गोलीबारी और जारी जासूसी से देश को खोखला कर अपनी आतंकी सोच के नक्शे को तैयार करना चाहता है। देश की जांच एजेंसियां और आतंक रोधी गुट इससे पहले देश की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी कर चुके हैं। दुश्मन के ड्रोन अभियानों से निपटने के लिए शोध में ज्यादा निवेश हो, साथ ही ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कहा गया है, ड्रोन रोधी शोध प्रौद्योगिकी और दुश्मन ड्रोन अभियानों के संचालन की वजह से बढ़ती चिंताओं के निराकरण के लिए इस दिशा में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। सोमवार देर रात भी रत्नूचक और कालूचक सैन्य इलाकों में हुई हिंसा में ड्रोनों को मार गिराया गया। दो वायुसेना कर्मी हमले में घायल हुए, जिसके बाद DFI के निदेशक इसमें शाह का कहना है कि ड्रोन अटैक से हो रही चिंताओं का निदान सख्त नियमों से नहीं हो सकता, प्रौद्योगिकी में और ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। भारत में कुछ कंपनियां खुद अनुसंधान कर रही हैं और कुछ विदेशी कंपनियों का सहारा ले रही हैं। ड्रोन के सीमा में घुस आने की समस्या को लेकर सेना और बुद्धिजीवी अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके। कानपुर IIT से ड्रोन को रोकने के लिए विशेष तकनीक तैयार की जा रही है। हवाई हमलों में पहले ही फाइटर प्लेन और मिसाइलों से देश की ताकत को कमजोर करने की साजिशें जारी रही हैं। ड्रोन से हो रही जासूसी के आधार पर तबाही की जो इबारत दुश्मन लिखने चला है, सेना के विशेष दल निश्चित इन्हें तबाह कर देंगे। दुश्मन के मंसूबों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान जिस तेजी से बचाव में जुट गए हैं, जीत अवश्य हासिल कर लेंगे। देश आज अस्पताल, पानी, बिजली के साथ भविष्य की मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। सेना में मां के लाल अपना शौर्य तो दिखाएंगे ही, संस्थाएं भी पीछे नहीं रही हैं। खूब पढ़े और खेलें भी, स्वस्थ शरीर ही सुनहरे भविष्य की तस्वीर है। कोविड की इस मुश्किल लड़ाई में भागीदार बने। एक बार फिर होगी मुलाकात कुछ नए मुद्दों के साथ में। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।